रुद्रपुर की बात भी कर लेते हैं, जहां के सिडकुल चौकी पुलिस ने चोरी की 10 मोटरसाइकिल के साथ में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 आरोपी नाबालिग है। बाइक चोरी का खुलासा रुद्रपुर ऑफिस में एसपी सिटी मनोज कत्याल ने करते हुए कहा कि सिडकुल चौकी क्षेत्र में लगातार बाइक चोरी की घटना सामने आ रही थी, जिसके बाद खुलासे के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम के द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की गई 10 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम दीपक शर्मा, अजय सागर बताया है। गिरफ्तार किए गए दोनों ही आरोपी ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि 2 आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों के द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा सिडकुल चौकी क्षेत्र से बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था और आसपास के इलाकों में कम दामों में इन मोटरसाइकिल को बेचा जाता था। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की है। के पीछे हम लोगों ने टीम लगा रखी थी इसमें चोरी की घटनाओं के अनावरण के लिए, और इसी क्रम में बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है, जिसमें लगभग 150 से 200 कैमरे देखने के बाद और मैनुअल सर्वेलेंस की सहायता से हमने 4 व्यक्तियों को इस मामले में हिरासत में लिया था, जिसमें से 2 नाबालिग थे, तो उसमें विधि विवादित किशोर थे, तो तदनुसार उसमें कार्रवाई की गई। 2 बालिग हैं इनमें, उनकी अरेस्टिंग की गई है, और इस मामले में 10 बाइकें हमें बरामद हुई हैं, जिनमें से 4 जो है थाना पंतनगर के थाने में रजिस्टर्ड हैं वो, और बाकी को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। और जो इनका मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि अनअटेंडेड बाइक्स जो अनऑथोराइज्ड जगह पर खड़ी रहती थी, ऑथराइज पार्किंग में नहीं होती थी, उसको टारगेट करते थे और मास्टर की सहायता से उसको स्टार्ट करके ले जाते थे और उसको सेल कर देते थे, और जो बाइकें सेल नहीं हुई थी वो इन्होंने एक जगह छुपा रखी थी, जहाँ से हम लोगों ने रिकवर की हैं।